नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कैसे वर्क करता है और बिटकॉइन का लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। कोरोना महामारी के बीच में साल 2020 में 210% बिटकॉइन की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन अभी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने वाली है। और कुछ जानकारों का मानना यह भी है कि बिटकॉइन $30,000 तक जा सकता है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है कि बिटकॉइन क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन क्या है, कैसे वर्क करता है, इसको कहाँ रखा जा सकता है, ये सब को लेके आपके मन में बहुत सवाल होंगे। इंटरनेट के सभी की ज़िंदगी आसान हो गई है और सभी तरह की जानकारी हासिल करने से लेकर खरीदारी करना, टिकट बुकिंग करना, सब हम इंटरनेट की मदद से कर पा रहे हैं। आजकल इंटरनेट की मदद से पैसे कमाना बहुत ही आसान हो गया है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम घर बैठे बैठे इंटरनेट की मदद से पैसे कमा सकते हैं। उन सभी में से एक तरीका है बिटकॉइन। बिटकॉइन जिसकी वजह से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जिसने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसने बिटकॉइन के बारे में नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन क्या है, ये चीज़ क्या है। तो बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे बाकी करेंसी होती है रुपीस, डॉलर, डिराम, वैसे ही बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को ना तो हम छू सकते हैं या तो हम देख सकते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, वो ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सातोशी नाकामोटो ने 2009 में किया था और बाद में बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब ये है बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि इसको कंट्रोल करने वाला कोई बैंक नहीं है या कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर ना ही इसका कोई मालिक है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेट का कोई मालिक है नहीं है, वैसे ही हम बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों ज़्यादा किया जाता है? बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, किसी तरह का ट्रांजेक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस पर काम करता है। लोग एक दूसरे के साथ सीधा संपर्क बनाकर उसको बिना क्रेडिट कार्ड, बिना डेबिट कार्ड या कोई कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आज बहुत सारे बिटकॉइन को अपना रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। कोई इंटरप्रेन्योर, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में ग्लोबली बिटकॉइन से पेमेंट हो रहा है। जैसे बाकी करेंसी का इस्तेमाल करके हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, वैसे ही बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन भी आसानी से हो जाता है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। बैंक में उसकी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, उसका जो चार्जेस है वो भी ज़्यादा है, लेकिन बिटकॉइन का जो फेस है, जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, वो पब्लिकली सबको दिखती है कि इसके पास इतने बिटकॉइन है, इसने ऐसे ट्रांजेक्शन किया, इसका इतना भी बिटकॉइन पड़ा है, वो सब। और उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजेक्शन डिटेल्स स्टोर होती है और वो सभी ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं है। आज की डेट में बिटकॉइन का रेट क्या है? बिटकॉइन की वैल्यू आज की तारीख में $21,000 है पर बिटकॉइन,
और इंडियन रुपीस में इसकी वैल्यू होती है 1,68,04,000 और इसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू तभी बढ़ती है जब इसकी डिमांड बढ़ती है। अभी हम बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन वॉलेट क्या है। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रिकली ही स्टोर कर सकते हैं और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। बिटकॉइन वॉलेट बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन वॉलेट, वेब बेस्ड वॉलेट, डेस्कटॉप वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से कोई एक में हम अपना अकाउंट बना सकते हैं और यह वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करता है। अगर ये आईडी आपकी खो गई या भूल गए तो आपका सब बिटकॉइन कमाया हुआ हो गया। अभी जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया और आपको अपने अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहाँ पर एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपने वॉलेट के ज़रिए जो यूनिक आईडी मिली है वो आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है तभी आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है, उसके सिवा आपका अकाउंट चलेगा ही नहीं। और बाद में आपके अकाउंट के ज़रिए आप उसको बिटकॉइन के ज़रिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि बिटकॉइन के कमाया कैसे जा सकता है। उसके तीन तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे $21,000 में ले लीजिए। अभी ऐसा नहीं है कि आप उसको एक बिटकॉइन को $21,000 में ले सकते हैं। बिटकॉइन की छोटी राशि भी है सातोसी, उसको भी आप खरीद सकते हैं। जैसे भारत में 1 रुपये के 100 पैसे होते हैं, वैसे ही 1 बिटकॉइन के 10 करोड़ सातोसी होते हैं। तो आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी राशि भी खरीद सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएंगे तो आपके उसी प्राइस से आप बिटकॉइन ले सकते हैं। अभी दूसरा तरीका है कि अगर आप ऑनलाइन किसी कोई सामान बेच रहे हैं और आपके खरीदार के पास कोई बिटकॉइन है, तो वो आपको बिटकॉइन के ज़रिए आप सामान अवर जवर कर सकते हैं। वैसे भी आप बिटकॉइन कर सकते हैं, वो भी बिटकॉइन वॉलेट से। और अगर आप चाहे तो बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को बेच के ज़्यादा मुनाफा पे पैसे कमा सकते हैं। अभी तीसरा तरीका यह है कि बिटकॉइन माइनिंग का। अभी जो अलग अलग बिटकॉइन माइनर्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए हाई स्पीड प्रोसेसर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए माइनर्स होते हैं, जो उन्हें वेरीफाई करते हैं उसे माइनर्स कहते हैं। और उन माइनर्स को पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और GPU होता है और वो इसके जरिए ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करके ट्रांजेक्शन सही है या नहीं बाद में ही उसको ओके करते हैं। इसी वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइन इनाम के तौर पे मिलते हैं और इस तरीके से नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। यह कोई भी कर सकता है, इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है और इसे खरीदना हर किसी की बस की बात नहीं है। जैसे हर देश में करेंसी को 1 साल में छापने का एक सीमा होता है, बस आप इतने ही नोट 1 साल में छाप सकते हैं। इसी तरह बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं है कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते। बस 21 मिलियन है, इससे ज़्यादा बिटकॉइन कभी पाए नहीं जाएंगे। अभी की बात करें तो मार्केट में करीबन 13 मिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं और नए बिटकॉइन जो है वो सब माइनिंग के जरिए आएंगे। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के फायदे क्या है?
यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन फी, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करता है तो वो जल्दी हो जाएगा, और क्रेडिट और डेबिट के मुकाबले इसकी फीस बहुत कम है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कभी भी और कहीं भी बेच सकते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है, जैसे कभी कभी किसी कारणवश क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है, वैसे यहाँ नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी फायदे हो सकते हैं। ऐसा रिकॉर्ड में पाया गया है कि बिटकॉइन की कीमत धीरे 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 बढ़ती ही जा रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदे में है। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या ऑथोरिटी नहीं है, इसीलिए वो आपके अकाउंट में नज़र भी नहीं रख सकती। तो आप कोई इनलगली कोई काम करते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। अभी बिटकॉइन के नुकसान क्या है, अभी नुकसान के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर बिटकॉइन का कंट्रोल करने वाला या कोई ऑथोरिटी या बैंक या सरकार नहीं है, इसलिए बैंक बिटकॉइन की कीमत अप डाउन होती रहती है, तो ये थोड़ा रिस्की भी है। दूसरा ये है कि अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो गया तो आप अपने सारे बिटकॉइन खो देंगे, और आप में सरकार या कोई डिपार्टमेंट आपकी मदद भी नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट जानते हैं कि बिटकॉइन को अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप बिटकॉइन को खरीद कैसे सकते हैं। तो बिटकॉइन को खरीदने के लिए आप बिटकॉइन की सोने जैसे ही खरीद सकते हैं, और अगर आपको इंडियन करेंसी में बिटकॉइन को खरीदना है तो ऐसे कौन से वेबसाइट है जो बिटकॉइन को खरीदने में आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर वेबसाइट में आप बड़ी आसानी से इनकी मौजूदा रियल टाइम प्राइस के जरिए आपको सब बिटकॉइन खरीद सकते हैं। उसमें दो ही वेबसाइट है मेरे पास, यूनोकॉइन एंड ज़ेप्पे। बिटकॉइन ने पहली बार 21,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, और इस कंट्रोवर्शियल डिजिटल मुद्रा ने 21,000 डॉलर का आंकड़ा पार करके नया इतिहास रच दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बुधवार को न्यूयॉर्क में 10% ज़्यादा के स्तर से पहुंच गई है, और इसके पहले अनुमान लगाया जाता था कि बिटकॉइन के भाव में कम से कम $20,000 के स्तर पर बढ़ने हुए देखा गया था। यह थी बिटकॉइन के बारे में थोड़ी दिलचस्प कहानी। आशा करता हूँ कि बिटकॉइन क्या है, कैसे कमाया जा सकता है और बिटकॉइन से रिलेटेड सभी जानकारी मैंने आपको दे दिया है, और आपके पास कुछ जानकारी है तो आप भी मुझे फीडबैक में ज़रूर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइन तो बनता है बॉस।